हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसिफ सर। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चेंजेस इन डिमांड। पिछले टॉपिक में हमने वेरिएशन डिमांड पढ़े थे। मैंने बताया था आप लोग को वेरिएशन जुड़ा होता है प्राइस से और बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो चेंजेस इन डिमांड में उसका उल्टा है। इसमें डिमांड पे असर आता है लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस को छोड़ के बाकी किसी और चीज की वजह से किस पे असर आएगा, डिमांड पे असर आएगा। मतलब चाहे वो साइज पे, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे हो सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर पे हो सकता है, बराबर है, टेस्ट पे हो सकता है, प्रेफरेंसेस हो सकता है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस हो सकता है, अलग अलग चीजों पे हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे प्राइस पे हो सकता है। तो प्राइस छोड़ के बाकी सब चीजों से अगर डिमांड पे असर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंजेस इन डिमांड। और अगर प्राइस के असर आता है डिमांड पे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएशन डिमांड। ये दिमाग में रखना, वेरिएशन प्राइस, ठीक है ना। और चेंजेस किसके वजह से, अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के बाकी तीन फैक्टर्स है। ये दिमाग में बिठा लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगा चेंजेस में भी और वेरिएशन में भी, ठीक है। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीज ड्यू टू द चेंज इन इट्स अदर फैक्टर, प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। उसने क्या बोला, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज, जब कमोडिटी की डिमांड क्या होती है, या तो इंक्रीज होगी या तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसको हम बोलते हैं चेंजेस। तो ड्यू टू चेंजेस इन द फैक्टर्स, जो अलग अलग फैक्टर्स उनके चेंजेस वजह से, लेकिन सिर्फ क्या रहेगा, एंड प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्राइस चेंज होगा, प्राइस को छोड़ के बाकी कुछ भी चेंज होगा और डिमांड पर असर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंजेस इन डिमांड। इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। तो इसी को बोलते हैं हम लोग चेंजेस इन डिमांड। ये कितने टाइप का है, दो टाइप का, बराबर है। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या होगी आप लोग की, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एटसेट्रा, एंड प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो वही चीज वापस बोल रहे हैं, इंक्रीज डिमांड मतलब डिमांड बढ़ना, बराबर। तो डिमांड कब बढ़ेगी, जब चेंजेस क्या हो, जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्राइस को छोड़ना, क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज होती है, बराबर। सॉरी, इंक्रीज डिमांड क्या होगा, प्राइस की वजह से, प्राइस सॉरी इंक्रीज डिमांड कब होगा, जब प्राइस क्या होगा, कम होगा। लेकिन प्राइस की बात ही नहीं चल रही है, प्राइस को साइड में रखना है, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो हम लोग को बाकी फैक्टर्स के बारे में बात करना, वही लिखा देखो, इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि डिमांड क्या होने वाली, बढ़ने वाली है। तो सिंपल सी बात, इसका मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब क्वांटिटी डिमांड क्यों इंक्रीज होगी, ड्यू टू अ फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, बराबर ना। तो जो दूसरे फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ के, उसमें चेंजेस कौन से हुए, हमारे फेवरेबल मतलब हमारे फायदेमंद चेंजेस हुए। तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो फैक्टर्स में आप लोग बोल सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी, बराबर ना, एटसेट्रा, एंड प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट, क्या, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है राइट साइड, क्योंकि इसमें प्राइस नहीं चेंज हो रहा ना, प्राइस तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो डिमांड कर्व क्या कहा जाता है, शिफ्ट होता है राइट साइड पे। देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग देखेंगे, ये देखिए डिमांड कर्व आप लोग का, बराबर है। तो ये पहला ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, अब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। डिमांड क्या हो गई तुम्हारी, इंक्रीज हो गई, मतलब ये इंक्रीज हो गया डिमांड, क्वांटिटी क्यू से क्या हो गया, क्यू वन हो गया, बराबर है। ये पहला डिमांड का ओरिजिनल वाला, ये बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, प्राइस वो सेम ही है, प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस वन के वन ही है, लेकिन प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स में क्या हो गया, फेवरेबल चेंजेस आया। वो बाकी फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स, उसमें किसमें से भी अगर हम लोग का फेवरेबल चेंज आ गया तो हम लोग की डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो एज शोन इन द फिगर 3.3, डीडी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, डीडी है ओरिजिनल डिमांड कर्व, बराबर है। डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड टू राइट फ्रॉम डीडी टू डी1। तो यहाँ पे डिमांड कर्व आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जाता है, देखो बाहर की तरफ है ना, मतलब ये ओरिजिन की ओरिजिन से देखेंगे तो ये ओरिजिन की बाहर की तरफ है, इसलिए उसको आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। और राइट साइड पे है, तो इसलिए राइट साइड बोलते हैं, क्लियर है। उसका नाम क्या है, D1 which indicates increase in demand। ये क्या करता है हम लोग का, डिमांड क्या हो गया, इंडिकेट करता है कि डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये हो गया हम लोग का इंक्रीज इन डिमांड, समझ गया सब लोग, आप लोग को। उसके बाद देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या होना, कम होना। अब डिमांड कम होना मतलब डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, वहां पे फेवरेबल चेंजेस था, यहाँ पे क्या रहेगा, अनफेवरेबल चेंजेस, बस खाली इतना सा लिखना है, बाकी पूरा के पूरा क्या है, सेम। लेकिन अनफेवरेबल चेंजेस किसमें होना चाहिए, अदर फैक्टर्स, बराबर ना, अदर फैक्टर्स मतलब जितने भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हम लोग हैं, डिटरमिनेंट्स प्राइस को छोड़ के, बराबर है। तो ये लिखा देखो, इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इससे क्या मतलब होता है, डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू अनफेवरेबल, क्योंकि चेंजेस क्या होगा, तुम्हारे फेवर में नहीं, अनफेवरेबल है,
अदर फैक्टर्स बराबर ना, लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा, प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन प्राइस क्या रहने वाला पे कॉन्स्टेंट होगा, प्राइस की वजह से चेंजेस नहीं आया, डिमांड कम नहीं हुई बराबर ना, किसकी वजह से भी है, अदर फैक्टर में अनफेवरेबल चेंजेस आया, इसकी वजह से आप लोगों के प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। क्लियर? आप क्या लिखा है देखो, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, सिंपल से बताते वहां पे राइट हैंड साइड था तो यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा बराबर ना, और ओरिजिन के नजदीक आएगा, वहां पे आउटवर्ड था, यहाँ पे क्या रहेगा, ओरिजिन के इनवर्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ, लिखा हुआ तो देखते हैं आगे चलकर, लिखा था डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग कर्व, तो ये हम लोग का ओरिजिनल डिमांड कर्व पुराना वाला। अब ये यहां से यहाँ पे अंदर आ गया, ठीक है, मतलब पॉइंट पहले क्यू थी, अब क्यू मतलब यहाँ पे समझो दो थी, दो यूनिट, अब यहाँ पे कितनी यूनिट हो जाएगी, वन हो जाएगी, मतलब कम हो गई, तो इसी को बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग डिमांड, लेकिन प्राइस सेम है, चेंजेस किसमें हुआ है, अदर फैक्टर्स में हुआ है बराबर है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड क्या होगी आप लोग की, कम होगी। एज शोन इन फिगर डीडी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, डीडी क्या आप लोग का ओरिजिनल डिमांड कर्व, और डी वन सॉरी डी टू, डी टू नाम लिखेंगे वहां पर, डी वन डी यूज करते हैं, इट शिफ्ट इनवर्ड टू द लेफ्ट लेफ्ट बराबर ना, इनवर्ड उसने यूज किया, देखो इनवर्ड, इनवर्ड मतलब ओरिजिन से नजदीक आया, तो इनवर्ड लेफ्ट साइड पे बराबर है, फ्रॉम डी डी टू टी टू डी टू, विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड, इससे मालूम पड़ता है हम लोग का डिक्रीज इन डिमांड, देखो यहाँ पे एरो बनाया है, क्लियर है, तो ये हो गया हम लोग का डिक्रीज इन डिमांड, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, 3.3A जो हम लोग का है फिनिश हो गया है, इसके नोट्स वगैरह आप लोग को मिल जाएंगे वेबसाइट पे, वापस बार बार बोलता हूँ, सैंपल पेपर वगैरह जो भी आप लोग को चाहिए आप लोग को वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगा, बहुत अच्छी चीजें मैंने उसमें डालने की अपलोड करने की कोशिश किया, जितना हो सकता है ट्वेल्थ के लिए उतना किया, और आगे भी कुछ ना कुछ मैं अपडेट करते रहूंगा, उसी क्या है सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरे सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जितना उसको रिकमेंड करेंगे अपने दोस्तों से उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि जो मैंने आंसर्स बनाया है वो टेक्सुअल कंटेंट लेके बनाया है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया बनाया है, तो जिससे क्या होगा आप लोग को याद करने में भी आसानी रहेगी और एग्जामिनर को आपके आंसर को अंडरस्टैंड करके मार्क्स देने में भी क्या रहेगी आसानी रहेगी, क्योंकि उसको टेक्सुअल कंटेंट ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को रिफर करता हूँ कि आप लोग मेरी नोट्स प्रेफर कीजिए, और नोट्स का दूसरा ये फायदा है कि मैंने क्या बोलते हैं सिर्फ आप लोग के लिए बनाया है और उसको बहुत इजी बनाया है नेविगेट करने में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक एक पे जाएंगे तो एक फिलअप मिलेगा फिर अगले पेज पे जाओ, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया है कि एक पेजेस पे जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आंसर्स मैंने आप लोग को कवर करने की कोशिश किया, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन देखा है, बहुत सारे देखा एक पेज पे एक फिलअप है, फिर क्लिक करो फिर एड आएगा फिर वो पॉपअप आएगा कुछ बदलता आएगा, तो मैंने कोशिश किया कि एक पेज पे एटलीस्ट कम से कम एक से दो से तीन क्वेश्चन मतलब सब क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, वहां पे तो ऐसा है कि एक फिलअप देखने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा और फिर दूसरे पे ऐड आ जाता है, तो ऐसा मैंने बनाने की कोशिश नहीं किया, कोशिश ये है जितना ज्यादा सिंपल हो सके जितना ज्यादा यूजफुल हो सके उतना मैंने बनाया है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा मैं आप लोग को इसके क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के बारे में गाइड करेगा, मैंने बताया आप लोग को एक्सरसाइज से सिर्फ आप लोग मत पढ़ना, एक्सरसाइज के अलावा आप लोग को ध्यान में रखना है कि लेसन अच्छे से समझना है, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो भी पढ़ो और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव्स आप लोग के एक्सरसाइज से जरूरी नहीं आएंगे, एक्सरसाइज के बाहर भी आ सकते हैं, इसलिए लेसन अगर आप लोग को समझा रहेगा तो आप लोग एक्सरसाइज एकदम इजीली कर पाओगे, नहीं तो फिर आप लोग को डिफिकल्टी लगेगी हमेशा, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्सरसाइज के पीछे मत भागो, लेसन समझने के पीछे भागो, लेसन समझ गया तो एक्सरसाइज तो अपने आप आएगी, यहाँ पे लिखा देयर इज अ रिलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड प्राइस, डिमांड फॉर गुड्स और प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट और उसके गुड्स के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो हमने पढ़ा बराबर ना, कौन सा रिलेशन होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करें ना, वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहा है वो, सिंबल फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शन जो हमने यहाँ पे ये था बराबर ना, तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग की यहाँ पे देखा, व्हेन लेस यूनिट आर डिमांड एट हाई प्राइस इट शोज, जब हम लोग की प्राइस बढ़ गया और डिमांड क्या हो गया कम हो गया बराबर ना, लिखा ना वहाँ पे लेस यूनिट आर डिमांड एट हाई प्राइस, प्राइस ज्यादा है और डिमांड क्या है कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, तो प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम लोग का इसमें आएगा कॉन्ट्रैक्शन में आएगा बराबर ना, तो ये सब चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक टर्म बोला सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी डिमांड एट लोअर प्राइस, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं प्राइस कम रहती है बराबर, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्वांटिटी ज्यादा प्राइस क्या है कम है, तो एक्सपांशन इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल बराबर है, तो डिमांड कर्व, तो ये सब चीज़ हम लोग को मालूम है, हम लोग अगर एक्सप्लेनेशन समझे हैं तो हम लोग को इजी लगेगा, नहीं तो फिर क्या लगेगा हम लोग को डिफिकल्ट लगेगा, डिस्टिंग्विश डिजायर डिमांड के बारे में सबके बारे में, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड पढ़े हमने, फिर ये सब भी हम लोग के सिंपल है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ हम लोग को सिंपल लगेगी,
अगर हमने लेसन अच्छे से समझे अंडरस्टैंड किए तो, अदरवाइज हम लोग को डिफिकल्ट लगेगा। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। होप करता हूँ कि आप लोग ने जो 3 महीने का मैंने प्लान बताया आप लोग को वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे और उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स लेके।